अनुपमा के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अनुज और श्रुति जो हैं वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा और आद्या जो होती हैं वो घर पर अकेली हैं और यहाँ पर आद्या अनुपमा को वार्निंग देगी कि भाई तुम मुझसे दूर रहना क्योंकि इस बार घर पर मैं और तुम अकेले हैं। इसी बीच आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई आद्या को काफी ज्यादा तेज बुखार आ जाता है और यहाँ पर अनुपमा जो है यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएगी वो आद्या को लेकर। और इसी बीच यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई अनुपमा मैडम जो है ये पूरी रात आद्या का केयर करते हुए दिखाई देंगी। बल्कि दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी होता है कि भाई यहाँ पर अनुपमा का कॉम्पिटिशन होने वाला है दूसरे दिन। यहाँ पर अनुपमा को अपने कॉम्पिटिशन की तैयारियां करनी होती है लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है सारी अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी को छोड़कर सारा ध्यान अभी आद्या पर लगाते हुए दिखाई देती है। इसी बीच यहाँ पर आद्या जो है इतनी बीमार होती है तो यहाँ पर वो दिखाई देगी कि भाई वो अनुपमा को गले लगा लेगी नींद में। और आगे यहाँ पर हम देखेंगे भाई अनुपमा जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और यहाँ पर अनुज का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है आद्या पर और वो उसे समझाएगा कि जरा तमीज से बात करे क्योंकि वो उसकी माँ है। और आगे यहाँ पर अनुज आद्या को ये भी कहेगा कि पूरी रात तुम्हारा ध्यान रखा है अनुपमा ने जबकि उसका कल कॉम्पिटिशन है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा खरी खोटी भी सुनाएगा आद्या को। और आगे एक नया प्रोमो भी सामने आ रहा है जहाँ पर हम देखने वाले कि भाई आद्या जो है अनुपमा की रेसिपी वाली डायरी को फाड़ देती है और इस वजह से अनुपमा जो है काफी ज्यादा टूट भी जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा ये कॉम्पिटिशन जीत पाएगी या नहीं। और आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।